पिछले समय तो असी सरकार नू मतलब यह खबरां दे राही लैटर दे राही यह मतलब अपनियां जिहड़ियां मजदूर मंगां ने उहदे बारे जाणू करवाया सी कि जो चोण वादा पंजाब सरकार ने किया वह पूरा किया जाए, पर यह कुंभकर्णी नींद है जिहड़ी कैप्टन सरकार है वह सुती हुई है। देखो कड़कदी धुप दे विच साडे नाल बजुर्ग भी ने, बीबिया ने, बच्चे ने, नौजवान समेत असी तुरके मजारे दे तौर च जे कैप्टन साहब आए सी चो बाहर नहीं निकल सकते तो असी किरत करन वाले लोग हाँ, असी धुप्पे रहन वाले लोग हाँ, असी तुरके उन्हां दे महल तक पहुँचे हाँ भी जे उन्हां तो नहीं उठाया जाता तो असी अपना मंग पत्र उन्हां नूं दे दिंदे हाँ तो उहदे उत्ते उह सानूं कोई जवाब देण, साडियां मंगां दा हल करन। कैप्टन साहब ने कहा सी भी मैं घर घर नौकरी दूंगा, हर एक परिवार के हरेक बच्चे पढ़े लिखे नौकरी मिलेगी, जबकि एक भी नौकरी वह नहीं दी गई, सिर्फ आपके मंत्रियों के आपके चहेतों दी गई, जिहड़ा रौला पैण ते वापस की गई। वैसे गुरजंट जी रुजगार मेले लाए ने, सरकार कह रही है कि उसी रुजगार मेले लाए हर जिले च लगे, हर शहर च लगे, उत्थे वड्डियां नौकरियां काफ़ी वड्डी गिणती च नौकरियां दित्तियां ने, की मिलियां ने? हुण तुसीं देखोगे भी इन्हां ने सिर्फ 1152 जिहड़े नौजवान ने उन्हां नूं रखना है तो वह सिर्फ 1152 ही पास करने ने, पास होने दे कोई मार्क नहीं। मान लो दे विच्चों लख बच्चा 100 दा 100 नंबर ले जाए फिर यह लख बच्चे नू नौकरी देंगे, फिर भी 1152 नू देंगे, जदों तय आ 1152 तो उहदे लई यह सारा ही ड्रामेबाजी है, इस तो सिवाय होर कुछ नहीं, पेपरां च पास होने का कोई मतलब नहीं, इन्हां ने आपदे चहेते रखने ने। खुआरी जां मालिया जिवें 500 रुपया एक फीस सी जां 300 रुपया फीस सी, कितें ना कितें मालिया दस्सिया जांदा वी कि तकरीबन 20 करोड़ रुपये सरकार नूं इकट्ठा होया, एक सिस्टम फंड इकट्ठा कर। तुहानूं की लगदा किन्ने क वादे पूरे किए ने सरकार ने? जिवें गलबात हुंदी है सरकार तां कह रही है कि 80-90% वादे पूरे करते, 10-15% रहिंदे ने उह बस हुण आ 6 महीनियां दे विच विच करके पूरे वादे साडे मुकम्मल हो जाणगे। कैप्टन साहब ने सानू नौकरी देने की गल की, वह दसन किहड़े मजदूर नूं असीं नौकरी ते ला दिता। कैप्टन साहब ने दादा समरले प्लाट देने की गल की, वह दसन किहड़े मजदूर दे नाम रजिस्ट्री कराती। कैप्टन साहब ने साडे बच्चों मुफ्त पढ़ाई की मतलब सहूलत देने का वादा किया, वह दसन साडियां किहड़ियां बच्चियां किहड़े बच्चे किहड़े स्कूलों दे विच उहने पढ़न लाते। कैप्टन साहब ने कहा सानू लैपटॉप मोबाइल दिते जाणगे, वह गिणौण किहनू दिता गया? यह बिल्कुल ड्रामेबाजी है। तुसी देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल, मैं अमनदीप सिंह माझा पटियाले च मौजूद हाँ। पटियाले च पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी महिलां दे नज़दीक कोठी दे नज़दीक BPS चौंक नूं अज पेंडू खेत मजदूर यूनियन आगुआ ने घिराओ किया। BPS चौंक दियां तस्वीरां तुहानूं दिखाउने आ जिथे पेंडू खेत मजदूर यूनियन दे आगू वड्डी गिणती च पहुँचे हुए ने, वैरीगेटिंग सामने हुई भी आ, तस्वीरां तुसीं सीधियां देख सकते हो जिथे वड्डी गिणती विच पुलिस फोर्स तैनात आ, बैरीगेटिंग की हुई आ ते बैरीगेटिंग ते पेंडू किसान यूनियन आगू मजदूर यूनियन के आगू इत्थे रुके ने अते अपनी स्टेज लगाई आ, स्टेज नूं संबोधन कर रहे ने। तुहानूं जानकारी दे दईए कि पिछली 9 अगस्त तो 10 अगस्त अते 11 अगस्त अज 11 अगस्त आ, 3 दिन पहला पुड्डा ग्राउंड पटियाला विखे पक्का धरना चलिया, दिन रात का धरना चलिया जिथे सूबे के आगू सारे जिलों के आगू पहुँचे हुए ने। सो साडे नाल पंजाब किसान यूनियन के आगू रुलदू सिंह मानसा के बेटा गुरजंट सिंह मौजूद ने। गुरजंट जी किवें दे प्रदर्शन ने? 3 दिनों तो तुसीं पहलां उत्थे बैठे हो ते हुण इत्थे आए, की रणनीति आ? देखो पिछले समय तो असी सरकार नू मतलब यह खबरां दे राही लैटर दे राही यह मतलब अपनियां जिहड़ियां मजदूर मंगां ने उहदे बारे जाणू करवाया सी कि जो चोण वादा पंजाब सरकार ने किया वह पूरा किया जाए, पर यह कुंभकर्णी नींद है जिहड़ी कैप्टन सरकार है वह सुती हुई है। 9 तरीक तो लगातार दिन रात का धरना जिहड़े साडे हज़ारां मजदूर ने आके इत्थे पए होए ने, तां अज तक इन्होंने कोई भी साड़ी उन्हां मंगां नूं लैके किसी भी तरीके की चर्चा जां साडे नाल सलाह मशवरा कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो मजबूर हुण तुसीं देखो कड़कदी धुप दे विच साडे नाल बजुर्ग भी ने, बीबिया ने, बच्चे ने, नौजवान समेत असी तुरके मजारे दे तौर च जे कैप्टन साहब आए सी चो बाहर नहीं निकल सकते तो असी किरत करन वाले लोग हाँ, असी धुप्पे रहन वाले लोग हाँ, असी तुरके उन्हां दे महल तक पहुँचे हाँ भी जे उन्हां तो नहीं उठाया जाता तो असी अपना मंग पत्र उन्हां नूं दे दिंदे हाँ तो उहदे उत्ते उह सानूं कोई जवाब देन, साडियां मंगां दा हल करन, क्योंकि यह उही बुनियादी मंगां ने जिहड़ियां खुद कैप्टन साहब ने मलके चोणां दे समय गुटका साहब ते हथ रख के कसम खाधी सी पूरियां करन दा, सानू विश्वास दित्ता सी साडे लोकां तों वोटां लईआं सी आ, तां ओह मंगां चाहे वह किसान मंगा सी चाहे मजदूर मंगा ने चाहे मुलाजम मंगा ने
कोई एक भी मंग है जी कैप्टन सरकार वालों पूरी नहीं की गई। वैसे वैसे गुरजंट जी मेन मंगा केड़िया केड़िया ने, मेन मंगा की जो गल करिए मेन मंगा यह ने, कैप्टन साहब ने कहा सी भी मैं घर घर नौकरी दूंगा, हर एक परिवार के हरेक बच्चे पढ़े लिखे नौकरी मिलेगी, जबकि एक भी नौकरी वह नहीं दी गई, सिर्फ आपके मंत्रियों आपके चहेतियां दी गई, जोड़ा रौला पैण तो वापस की गई। वैसे गुरजंट जी रुजगार मेले लाए ने, सरकार कह रही है कि उसी रुजगार मेले लाए हर जिले च लगे हर शहर च लगे, उत्थे वड्डियां नौकरियां काफ़ी वड्डी गिणती च नौकरियां दित्तियां ने, की मिलियां ने उह? बिल्कुल उह ड्रामे कीते गए ने रुजगार मेलियां दे, उह की है जाके इन्होंने कालजां दे विच रुजगार मेले लाए, उत्थों दे छोटे छोटे दुकानदार छोटे छोटे सनअतकारां नूं बुला के उन्हां नूं पुछया भी दसो सानूं मिनीम मुंशी कोई कम करन वाला चाहीदा इत्थे रुजगार दिंदे आ, जिहड़ा बच्चा साडा अज एम ए बी एड करी बैठा है वह जाके किसी दुकान ते मतलब कि 3000 च मुंशीपना करूगा, ये नौकरी है। ऑलरेडी प्राइवेट नौकरी तो साढ़े बच्चे पहला भी कर रहे हैं, पर एक भी सरकारी नौकरी है ना वो रुजगार मेले राही ना कोई सीधे अदारे राही सरकार वालों नहीं दिती गई। तुसी पिछी देखते हो चार दिन की गल है, सिर्फ 1152 पटवारियों दी पोस्टां निकलियां ने ते 2,53,000 बच्चे ने उहदे लई पेपर दिता है, हालत देखो नौकरी देने की की है, किसी नूं कोई नौकरी नहीं दिती गई। वैसे सरकार की नीयत नूं किवें देखदे हो, पटवारियों की जो भी पोस्टां वास्ते कढ़िया इन्हां ने जो भी पेपर होया वह पेपर जो कोई अमृतसर दा दी तां उह दूर जिले च बुलाया उत्थे पेपर दिता, जे कोई इधर फाजिलका दा ती उह किसी होर जिले च संगरूर वाला किसी होर जिले, जानी कि दूर दूर वह विद्यार्थियों उत्थे पहुंचना पिया, बसां पूरी फुल सी पूरे बस स्टैंड फुल सी, की लगता तो सरकार दे सिस्टम की ने? देखो यह साफ है जिस तरीके नाल पोस्टा कढ़िया गई ने उस तो साफ लगता है कि वह लोगों की खजल खुआरी करने वाला सिस्टम ही है होर कुछ नहीं। हुण तुसीं देखोगे भी इन्होंने सिर्फ 1152 जिहड़े नौजवान ने उन्होंने रखना है तो वह सिर्फ 1152 ही पास करने ने, पास होने दे कोई मार्क नहीं। मन लो दे विच्चों लख बच्चा 100 दा 100 नंबर लै जे फिर यह लख बच्चे नूं नौकरी देणगे, फिर भी 1152 नूं देणगे, जो तय है 1152 तो उहदे लई यह सारा ही ड्रामेबाजी है, इस तो सिवाय होर कुछ नहीं, पेपरां च पास होने का कोई मतलब नहीं। इन्हां ने आपदे चहेते रखने ने, साडी सिर्फ खज्जल खुआरी करनी है, वह कर रहे ने खज्जल खुआरी। जब मालिया जिवें 500 रुपया एक फीस सी, 300 रुपया फीस सी, कितने ना कितने मालिया दस्सिया जांदा कि तकरीबन 20 करोड़ रुपया सरकार नूं इकट्ठा होया, एक सिस्टम फंड इकट्ठा कर सरकारां ने जिहड़ियां हुण इह कोई डेमोक्रेसी अधिकार ते जां पार्टी अधिकार नहीं चल रही, इन्हां नूं हरेक कंपनियां चला रही ने। जे प्रशांत भूषण वर्गे आके दसणगे कि तुसीं किवें जित सकदे हो, वह प्लान करनगे, उन्हां दे सिर ते बणी हुई सरकार कदे लोकां दे हित च नहीं खड़दी, पैसा इकट्ठा करदी है। वह पैसा कल्ला 20 करोड़ सरकार ने नहीं किया, जिहड़ा किराया लग्या जिहड़ी दिहाड़ी जिहड़े बच्चे उत्थे भुखे ते हाए मरदे, 25 रुपया की पानी की बोतल लैके बच्चों ने पीती है, अरबां रुपया साडे मजदूरां ते गरीब किसानां दे जेबां चों पैसा इस सरकार ने लुट लिया ते नौकरी किसी नूं दित्ती नहीं जा रही। ठीक है, तो की लगता किन्ने क वादे पूरे किए ने सरकार ने, जिम्मे गलबात होंगी सरकार तो कह रही है कि 80-90% वादे पूरे करते, 10-15% रहते हैं वो बस हूँ आप 6 महीनों के बिच करके पूरे वादे साढ़े मुकम्मल हो जाएंगे, किन्ने क हो गए वादे पूरे? देखो एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, कैप्टन साहब आउण खुला असी आए हैं सानू दस दिन भी आह वादा पूरा किया है। कैप्टन साहब ने कर्जा माफ़ करने की गल की, वो सानू लिस्ट देवे भी किन्ना मजदूरों का उन्हें कर्जा माफ़ करता। कैप्टन साहब ने सानू नौकरी देने की गल की, वो दसन किहड़े मजदूर नूं असी नौकरी ते ला दिता। कैप्टन साहब ने 10-10 मरले प्लाट देने की गल की, वो दसन किहड़े मजदूर के नाम रजिस्ट्री कराती। कैप्टन साहब ने साडे बच्चों मुफ्त पढ़ाई की मतलब सहूलत देने का वादा किया, वो दसन साडियां किहड़ियां बच्चियां किहड़े बच्चे किहड़े स्कूलों के विचों ने पढ़न लाते। कैप्टन साहब ने कहा सानू लैपटॉप मोबाइल दिते जाणगे, वह गिणौन किनू दिता गया? ये बिल्कुल ड्रामेबाजी है। जे कोई किसी नू सहूलत दिंदे भी ने वह इन्हां दे चहेते आप लै जांदे ने, इन्हां दे ही जिहड़े पिंडां दे विच इन्हां दे आपदे अकाली कांग्रसी जिहड़े मूहरले आगू ने वह आपदे मतलब के मेन बंदिआं नू दबा जांदे ने, आम वर्ग जिन्हां लई वह सहूलत बनती है उहदे तक एक तक भी वह सहूलत है जिहड़ी नहीं पहुँची, सिर्फ बोर्डां दे उत्ते सरकारी रुपया खर्च किया जाता है, एक भी वादा नहीं जिहड़ा पूरा किया। वैसे गुरजंट जी अज दा प्रदर्शन की, अज मंग पत्र दे के तुसीं वापस परतोगे इत्थों? देखो साडा मतलब यही सी वी असीं मंग पत्र दे के वापस परतना सी, पर जिस तरीके का सरकार का रुख है सानू नहीं लगता भी सही वापस परतांगे। वो साडी सूबा कमेटी सत्ते मतलब पेंडू मजदूर जथेबंदियों के आगू ने सूबे दे, वह तय करनगे जिवें सानू हुक्म देणगे, जे सरकार का सही रुख ना रहा तो उहदे मुताबक जिहड़ा अगला प्रोग्राम है वह किया जाऊगा। बिल्कुल जी, सो लगातार प्रदर्शन जारी ने कि पंजाब सरकार ने जो वादे किए कांग्रेस की सरकार ने वोटों तो पहला कोई वादा पूरा नहीं किया, आगू का कहना
क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि 80-90% वादे पूरे हो चुके हैं ते बाकी कर देंगे। सो आगुआ ने लगातार कहा कि प्रदर्शन साढ़े चलते रहेंगे। आगुआ का अज ऐलान भी होया सी कि मंग पत्र देवांगे, मंग पत्र देने तो बाद वापस परतांगे। आने वाले समय जे सरकार साडियां मंगां ते नहीं गौर करती तो इस तरह वड्डे प्रदर्शन होर किए जाएंगे। इकबाल सिंह फगुआला नाल अमनदीप सिंह माजा, पंजाबी लोक चैनल।